वेलकम क्लास 9 फिजिक्स लेक्चर 10। क्वेश्चन नंबर 5th, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो होती है उसकी। ये आपने याद करना है, लर्न करना है, इसको माइंड में रखना है। रोल्स ऑन द हिल इज कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, वो हिल से नीचे की तरफ अपने आप आ रहा है कॉन्स्टेंट एक्सलेशन में। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर, एस बेटे डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं, एस कितना है 400 मीटर, ठीक है, इन 20 सेकेंड। टी कितना है 20 सेकेंड, टी की वैल्यू दी हुई है 20। फाइंड इट्स एक्सेलेशन, ए फाइंड करना है। तो फॉर्मूले जो भी हमें दिए हुए हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है, पूरा फिट बैठता है इसमें। जो भी फॉर्मूलेज हैं वो सब इस पर अप्लाई करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने ये ए पहले फाइंड करना। फाइंड द फोर्स, फोर्स बाद में फाइंड करेंगे। 7 मीट्रिक टन है, तो 1 मीट्रिक टन 7000 होती है, तो ये होगी 7000 किलोग्राम, ठीक है। पहले ए निकालेंगे, बाद वाली फोर्स, बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास ये ए निकलेगी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन, साथ साथ में बताता जाऊँगा मैं आपको। यू की वैल्यू मैंने पहले ही बताई है, इनिशियली एट रेस्ट तो यू की वैल्यू जीरो होती है। एस की वैल्यू 400 दी हुई है, ए हमने फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। फॉर्मूलाज हमारे पास जो भी है आपको याद होने चाहिए। एक होता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो दूसरे वाला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। इसके लिए बेटे वी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही लगेगा वो नहीं लग सकता। कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जिस भी फार्मूले से आपको वैल्यू मिल जाए आप निकाल सकते हो। वैसे भी ए का फार्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ पे वी नहीं है, यू है, वी नहीं है, दो वैल्यूज नहीं है, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। एस की वैल्यू बेटे 400 दी हुई है, यू की वैल्यू हमारे पास जीरो थी, इसलिए टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, हाफ को हाफ रह गया, ए बेटे ये है, तो टी की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 सेकेंड, ठीक है। पहले ये भी हमें श्योर करना है, तो ये एक सिस्टम में होने चाहिए, ऐसा ही सिस्टम सिस्टम में होने चाहिए, एम के एस, मीटर किलोग्राम तो सेकेंड, दो मीटर भी है सेकेंड भी है, और किलोग्राम हम बाद में बना लेंगे। सिस्टम में होने चाहिए, ये भी ज़रूरी बात है। पहली इनिशियल कंडीशन तो यही है कि सिस्टम चेक करना है, सिस्टम में होने चाहिए, सिस्टम के बाद ही कोई अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू करने, पहले सिस्टम चेक करना है, ठीक है जी। तो ये तो पहला ही न्यूमेरिकल है, इसलिए सिस्टम में ही ऑलरेडी है। तो बेटे ये 20 का स्केयर 400 होता है, ये 400 इधर भी है, इधर कैंसिल भी हो सकता है, 2 बेटे उधर जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैलकुलेशन के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड स्केयर इसकी एक्सेलेरेशन बन जाएगी। एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो 7000 kg हमने पहले बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 × 2 इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, यहाँ पर न्यूटन ही लगेगा, ठीक है, न्यूटन ही लगेगा, ये भी फोर्स का यूनिट, यूनिट आपने ही याद करने है, यूनिट वाला काम आपका है, यूनिट कौन सा लगेगा, कब लगेगा, कैसे है, क्यों नहीं है, कैसे, वो सब कुछ आपको पहले बताया है, यूनिट वाला काम आपने करना है। तो ये दोनों आंसर इसके आ गए। आगे है 6th question, स्टोन ऑफ 1 kg, मास लिया हुआ बेटे, मास एम लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू 1 kg, सिस्टम क्या होता है, एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम तो ठीक बन गया, ये सिस्टम में ही आ गया ऑलरेडी। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, एंड थ्रोन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कब कहाँ से मुझे पता चला कि इनिशियल है, जब भी थ्रोन को आप फेंकोगे तो इनिशियल है, बिकॉज कुछ समय के बाद वो रेस्ट पे खड़ा हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कुछ समय के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, यूनिट हमारा ऐसे ही चलेगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड द डिस्टेंस 50 मीटर, एस कितना आएगा 50 मीटर, एम बेटे एम ही आ गया, मीटर पर सेकंड के, पूरा ठीक ठाक हो गया ये काम, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, यही होगा इसमें लिखा, सर्विस इज लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, दिस इज टाइम नहीं दिया। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक फ्रिक्शन लगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमने फाइंड करनी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, यहाँ पे ए वाला कहीं फंडा नहीं है, तो ए हमने फाइंड करनी है, इसकी ए कितनी है, ठीक है। तो जितनी ये वाली ए होगी उसके ही
उतनी ही अपोजिट रिएक्शन आएगी, तभी ये ज़ीरो होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। 20 मीटर पर सेकंड इसकी बेटे इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया फाइनल, ये एस फार्मूला हमारे पास, अब फार्मूला यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए हमने फाइंड करना है, एस आफ्टर सम टाइम, एस भी दिया हुआ है, यू इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, बट टाइम नहीं है यहाँ पे, टाइम वाला क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वी है, यू है, एस भी है, ए फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखना है कि कौन दो टर्म्स आप फाइंड नहीं कर सकते हो किसी में भी, एक ही टर्म फाइंड होती है। तो फार्मूले इसीलिए बने हुए हैं, एक फार्मूला एक ही है मगर ऐसे ही उसको चेंज कर करके बनाया गया है आपकी, ऐसे कि आपको समझ आ जाए, आप जल्दी से इसे फाइंड कर सको, नहीं तो सब फार्मूले मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो v का बेटे v जीरो है, जीरो का स्केयर जीरो ही होता है, 20 का स्केयर 400 होता है, 2a a बेटे हमने फाइंड करना है, s की वैल्यू 50 दी हुई है, सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई -4 मीटर, a कितना आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्केयर, तो माइनस में आया तो ये रिटार्डेशन है, इसका नाम है रिटार्डेशन। ठीक है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इंडिकेट्स अ मोशन, रिटार्डेशन। ठीक है, इसको नेगेटिव साइन, एक्सेलेरेशन एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, मोशन के अगेंस्ट चलती है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास हमें कितना दिया हुआ था, मास वाला हम देखते हैं, स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम दिया हुआ था ना, स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम, तो 1 kg उसका मास था, तो ये वाला हमारा 1 × -4 = −4 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अब 7th and 8th दोनों एक साथ करेंगे, पहले 7 देखते हैं, 8000 kg इंजन मास कितना है, 8000 kg। ठीक है, पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, वो खींच रही है 5 वैगन्स को, जिसका 5 × 2000 = 10000 kg। ठीक है, 10000 किलोग्राम उसका पीछे वेट हो गया, 8000 अपना और 10000 वेगीज का, जो भी उसके पीछे वैगन्स लगे हुए हैं। तो अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल ट्रैक, ये तो आप सबको बताया कि ट्रैक हॉरिजेंटल ही होता है, वर्टिकल का भी ऐसा तो ट्रैक आज तक देखा नहीं ना कि ऐसे ट्रेन ऐसे आ रही ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ही होता है हॉरिजेंटल, ऐसे ट्रेन चलती है देखो ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही होता है ट्रेन का। ठीक है, ऐसे वैगन्स अलग अलग होते हैं ऐसे बने हुए। ठीक है जी, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। इंजन एग्जर्ट द 40000 न्यूटन फोर्स, इतनी फोर्स है इंजन में, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन, इतनी ट्रैक जो 5000 न्यूटन की फ्रिक्शन लगाता है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलेरेशन फोर्स, कितनी नेट फोर्स कितनी है अभी, एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, फोर्स ऑफ द वैगन 1 and वैगन 2, 1 पे तो दूसरे पे कितनी कितनी फोर्स लगेगी, अब मेरे भाग समझ लीजिए, बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी बना देते हैं। ये एक इंजन है, इसके पीछे 1, 2, 3, 4, 5 5 डब्बे इसके साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये इंजन है, तो ये इसके पीछे डिब्बे हैं। ठीक है जी, तो ये इन पे सब पे ट्रेन के ट्रैक पे फ्रिक्शन लगेगी, ट्रेन के ट्रैक पे चलेंगे तो फ्रिक्शन लगेगी, 5000 न्यूटन की फ्रिक्शन लगती है, और 40000 न्यूटन का इंजन की फोर्स है, चलती तो है ना गाड़ी, तो चलेगी, यही ज़्यादा होनी चाहिए इंजन की, जो 40000 न्यूटन की फोर्स इसमें होनी चाहिए, 5000 की फ्रिक्शन है, ये तो सीधी सीधी बात हुई, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है जी, तो ये 35000 तो टोटल फोर्स उसकी रह जाएगी, ये तो बात सीधी हो गई, तो 5000 की सबकी फ्रिक्शन है, 40000 आगे को लग रही है फोर्स, 5000 पीछे को लग रही है, 40000 इस तरफ लग रही है और 5000 इस तरफ लग रही है, तो टोटल फोर्स कितनी रह गई, 35000। ठीक है ना, तो ये तो बात क्लियर हो गई, तो बड़ी सिंपल सी बात थी। अब आगे, ठीक है, अब आगे है कि एक्सेलेरेशन कितनी है उसकी, हमने फोर्स ऑफ एक्सेलेरेशन निकालनी है, हमने एक्सेलेरेशन निकालनी है,
तो क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो हमने ए निकालना है, ए क्या होगा एफ अपॉन एम, फोर्स टोटल कितनी है 35,000, एम कितना है एम टोटल, ठीक है टोटल कितना है 10,000, अब ये 8,000 नहीं हमने ऐड किया बिकॉज ये वाला आगे को लगा रहा है इतना पोर्शन, इतना पोर्शन पीछे को लगा रहा है, ठीक है जी। तो ये वाली फोर्स हमारे पास एग्जर्ट नहीं होगी, हमने वैगन्स की ही फोर्स निकालनी है कि वैगन्स जो है उनको कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ये बात आपने बड़े माइंड में रखनी है अपनी, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, अब क्या पूछा था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, पहले नेट फोर्स हमने निकाल दी 35,000 हमारी नेट फोर्स आई, अब क्या आई एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है ए इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये इसकी एक्सेलरेशन है। आगे हमारे पास है द फोर्स ऑफ द वैगन वन ऑन वैगन टू, ये एक डब्बे की ही दूसरे डिब्बे पे, इस डब्बे की इस डब्बे पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है तो टोटल है 35,000 फोर्स, ये 40 और ये 5,000 सबकी मिला के, ठीक है सबकी मिला के, इसकी भी फ्रिक्शन तो इसकी भी है ना, सबकी मिला के फ्रिक्शन ये है टोटल फोर्स। अब इस डब्बे की इस डब्बे पे कितनी फोर्स है, ठीक है तो ये तो टोटल एक्सेलरेशन हो गई हमारी, इसके नीचे यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे, ठीक है ये सी पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। सी पार्ट आप देखिए, सी पार्ट क्या कह रहा है कि मास ईच वैगन, ठीक है तो ईच वैगन का मास है 2000 केजी हर एक का, एक का ठीक है। तो अगर वन वाला वैगन होगा ये वाला आगे, और ये वाला अकेला नहीं ना पीछे चार हैं, पीछे रह गए फोर, आगे हो गया एक, तो ये 2000 इधर चला गया और टू फोर टू द 8000 इधर चला गया। इंजन इंजन को छोड़ना है, इंजन का नहीं हमें बताया गया, वन का टू पे बताया गया, अगर वन का टू पे बताया गया, टू अकेला नहीं है इसके पीछे भी है तीन, ठीक है ये वाला पूरे टोटल 8000 होगा अब इसका मास, ठीक है एक्सेलेरेशन है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है एक्सेलेरेशन कितनी है 3.5 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डब्बे की पहले हम निकाल लेते हैं इसकी जितनी भी 8000, इन सब की कितनी आएगी फोर्स 8000। अब 8000 में से टोटल है हमारे पास 35,000, टोटल है हमारे पास 35,000 और 8000 पीछे है, 42,000 आगे है, ठीक है 42,000 आगे है, 8,000 पीछे है, ये वाली आगे है ये वाले पीछे वाले का हम निकाल देते हैं कि पीछे वाले में फोर्स कितनी एग्जर्ट होगी, ठीक है पीछे वाले में फोर्स कितनी एग्जर्ट होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है इसका 8,000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली थी 3.5, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 28,000 न्यूटन। तो ये वाली फोर्स लगेगी, आगे वाला डब्बा अकेला नहीं लगाएगा, इंजन लगाएगा उसको, ये इधर वाला पोर्शन इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, एक्सेलरेशन हमारे पास है, मास हम निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर सिंपल ही था, बस ये वाला छोड़ना है, बाकी वाला हमने देखना है, 8,000 मास रह गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया, ठीक है जी। तो ये इसका 28,000 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम
मास कितना है 1500। मस्ट, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, द व्हीकल स्टॉप नेगेटिव एक्सेलेशन, दिस एक्सेलेशन जो नेगेटिव है हमें दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो फोर्स निकालनी है वो कितनी लगेगी उसके बीच में। तो बड़ा सिंपल है, तो ये तो सीधा ही मल्टीप्लाई है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मजे लीजिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, तो कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक नाइन्थ बाद में करेंगे, एट्थ तक की बात है, ठीक है। ये एट्थ हमारा क्वेश्चन है, नाइन्थ टेंथ जो है ऑब्जेक्टिव हैं थोड़े, ठीक है। तो आगे वाले नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, ठीक है, और ट्वेल्थ बाद में करते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन है, भाई 18 क्वेश्चन है, ट्वेल्थ तक करेंगे, तो बाद में जो बच गए वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। दो लेक्चर्स का काम और पड़ा है हमारे पास, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, गुड लक।